अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूनियन पब्लिक स्कूल। मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना मुश्ताक है। आज हम लोग फिर से इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग 20 वर्ड्स सीख चुके हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी का, और आज इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं, कम्प्लीटली इसको समझ लेते हैं, इसको याद कर लेंगे ना तो हमारा कितना कवर हो जाएगा, 30 वर्ड्स कवर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग इसको सुनेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको नोट्स करके उसका स्पेलिंग के साथ उसको याद करके अपने जो टीचर हैं उसको सुनाएंगे, और मैं तो फिर हूँ कि आप हमको सुनाना ही है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, पहला जो आज वर्ड है वो क्या है, हैंड। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपके पास भी, हमारे पास भी है। हाँ, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, फिंगर। फिंगर जैसे देखते हैं ना, हाँ प्यारे बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ जो है यहाँ एस लगा दिया जाएगा। क्यों लगाए हम? क्योंकि जब बहुत सारे उंगली की बात करेंगे, जैसे हमने ये सारी उंगलियाँ हैं ना, हाँ, तो इस उसको क्या जाएगा, फिंगर्स। जब एक उंगली की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, फिंगर। ओके प्यारे बच्चों, आपकी भी छोटी छोटी उंगलियाँ हैं। हाँ प्यारे बच्चे, नेक्स्ट वर्ड है शोल्डर, जैसे आप देख सकते हैं जी। हाँ, इस हिस्सा को क्या कहेंगे हम लोग, शोल्डर। ये जो हमारा हिस्सा है ना, चाहे इधर से लें चाहे इधर से लें, है ना, इस हिस्सा को हम लोग क्या कहेंगे, शोल्डर। इस हिस्सा को है कभी चले हो ठीक। नेक्स्ट क्या करो बच्चों, चेस्ट। चेस्ट, हाँ, जैसे आप देख सकते हैं ये जो हमारा सीना है ना, हाँ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेस्ट। ठीक, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आर्म। जैसे आप देख सकते हैं, हाँ, इसको क्या कहेंगे, आम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, देखिए ना कैसे लिखा हुआ, A-R-M, आम। किसको कहते हैं, ये वाला हिस्सा को। वेरी गुड, कभी कभार दिखाते हो ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, अलबाव। क्या है, अलबाव, जैसे देख सकते हैं ये हिस्सा को। ठीक, ऐसे कभी कभार देखिए, हाँ, इस हिस्सा को हम क्या कहेंगे, अलबाव। वेरी गुड प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है स्टमक। क्या है, स्टमक, हाँ, जैसे आप देख सकते हैं, आहा, पेट में बहुत दर्द है, ये स्टमक, हाँ, समझ गए ना, हाँ, बस इस पेट के दर्द से बचने के लिए आपको दुकान का सामान जो भजा हुआ होता है ना, तेल से, ये सब नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, इससे अभी से अवॉइड करना है, तभी ये सब बीमारी से बच सकेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों, वेस्ट। वेस्ट, जैसे आप देख सकते हैं क्या कमर है इसका, समझ गए, ये पूरा मोटा हो गया है, समझ, देख रहे ना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों, जॉ। ध्यान सुना, जॉ, जैसे आप देख सकते हैं, हाँ, इसी से हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज निगलते हैं, मुंह को खोलते हैं, बंद करते हैं, हाँ, समझ गए ना। ठीक, लास्ट वर्ड है प्यारे बच्चों, नेल्स। हाँ, इसको ध्यान से देखना है, क्या देखना है कि आपके जो नेल्स है इसमें गंदगी तो नहीं घुसा हुआ है। देखिए, देखिए उस बच्चे के नेल्स को काटा जा रहा है, हाँ, कभी भी आपको लगे कि नेल्स बड़ा हो गया, अपने से नहीं काटना है, आपके अब्बू से हो, अम्मी से हो, या जो भी आपके घर में भाई बहन है उससे कटवा लेना है, समझ गए। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ गए होंगे। अब एक बार फिर हम लोग रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं साथ में, पढ़िए, हैंड, फिंगर्स, शोल्डर, चेस्ट, आर्म, एल्बो, स्टमक, वेस्ट, जॉ, नेल्स। ओके प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ बॉडी से 30 वर्ड्स हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी से फिर नए वर्ड सीखने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।